दोस्तों 2011 में रिलीज हुई सिंघम मूवी लोगों द्वारा काफी पसंद की गई थी, जिसमें बाजीराव सिंघम और जयकांत सिकरे के बीच हुई गर्मा गर्मी को दिखाया गया है और कई सारे एक्शन और धमाकेदार सीन दिखाए गए हैं, जिसके पीछे की शूटिंग हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंघम फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन के बारे में, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे अजय देवगन गुंडों को मारता हुआ नजर आ रहा है और पहले से ही सेफ्टी के लिए नीचे गद्दे बिछाए हुए होते हैं ताकि नीचे गिरते समय कोई चोट ना लगे। और आपको इस फिल्म का ये सीन तो जरूर याद होगा, जब सिंघम समुन्दर के किनारे खड़ा होता है तो वहां गुंडों से भरी गाड़ी उनके चारों तरफ घूमती हुई दिखाई देती है, जिसकी शूटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिल्म में आगे आपने देखा होगा कि सिंघम बेल्ट से गुंडों को मारता हुआ नजर आ रहा है और अंत में गुंडे के पैरों को खींचता हुआ दिखाई देता है। देखिए दोनों तरफ से कैमरामैन उस सीन को अपने कैमरे में फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ यह भी बखूबी देखा जा सकता है कि कैसे गुंडों को रस्सियों की मदद से खींचा जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें सिंघम मूवी के गाने के बारे में, जिसमें अजय देवगन और काजल अग्रवाल की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी, यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे फिल्म के सॉन्ग को शूट किया जा रहा है, जिसमें कैमरामैन को एक ट्रैक पर बैठा दिया जाता है और वह चारों तरफ घूमकर हर एक मोमेंट को कैप्चर करता है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे चलती हुई बुलेट पे काजल और अजय देवगन के सीन की शूटिंग हो रही है, जहाँ आगे चलती हुई गाड़ी पर कैमरामैन बैठा होता है और हर एक एंगल को अपने कैमरे में बारीकी से कैद करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस फिल्म के फाइटिंग सीन में आपने देखा होगा कि सिंघम गुंडों को गाड़ी में मारता हुआ नजर आता है। देखिए इस सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया जाता है, जहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अजय देवगन के पीछे एक कैमरामैन अपने हाथों में कैमरा लिए हुए हमेशा उनके साथ रहता है और पूरे एक्शन सीन को अपने कैमरे में कैद करता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों सिंघम फिल्म में गुंडे का किरदार प्रकाश राज ने निभाया है, जिनकी एक्टिंग को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, जहां इस सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस स्टेशन के बाहर सिंघम और जयकांत के बीच झगड़ा चल रहा है। वहां सेट पर मौजूद कैमरामैन उस सीन को अपने कैमरे में कैद करता हुआ दिखाई दे रहा है और साइड में खड़ा आदमी हाथ में थर्मोकोल की सीट पकड़े हुए नजर आ रहा है ताकि रोशनी अच्छे से फोकस हो सके। सिंघम फिल्म का टाइटल सॉन्ग तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें सब लोग कलर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शूटिंग से पहले कोरियोग्राफर अजय देवगन को हाथ की मूवमेंट समझाते हुए नजर आ रहे हैं और गाने की कई बार रिहर्सल करने के बाद देखिए फाइनल शूटिंग को होते हुए आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ कैमरामैन और क्रू मेंबर्स पूरे गाने को वाइड एंगल से शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और फाइनल एडिटिंग के दौरान बैकग्राउंड को सीन के हिसाब से सेट किया जाता है। दरअसल इस फिल्म में मंदिर के अंदर की शूटिंग भी गोवा में ही की गई थी। यहाँ अजय देवगन का मंदिर के बाहर का शूट चल रहा है, जिसे हैंगिंग कैमरा की मदद से शूट किया जा रहा है। जब वह मंदिर के अंदर आते हैं तो वहां एक कैमरामैन पहले से ही मौजूद होता है और दूसरा कैमरामैन अपना कैमरा हाथ में लिए हुए चल रहा है, जो काजल की एंट्री को फिल्माता हुआ नजर आता है, जिसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। दोस्तों फिल्म में हमें कई एक्शन सीन देखने को मिलते हैं, जिसमें अजय देवगन यानी कि सिंघम गुंडों को मारता हुआ दिखाई देता है। देखिए उसके पीछे की शूटिंग में साफ देखा जा सकता है कि कैसे फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी
पहले अजय देवगन को मारने के स्टेप समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक कैमरामैन उस पूरे सीन को अपने कैमरा में फिल्माने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सिंघम मूवी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और अजय देवगन के करियर की सबसे अच्छी फिल्म थी, जिसने उस टाइम पे 100 करोड़ से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और सिंघम फिल्म के लिए अजय देवगन ने अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए करीब 6 महीने तक लगातार जिम में एक्सरसाइज की थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें।